तो दोस्तों, आज इस अवेयरनेस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक बिल्कुल नए तरीके के स्कैम की जानकारी को। ये स्कैम रिलेटेड है इंश्योरेंस से। आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क रहेगा मेरी तरफ से, प्लीज़ आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। टास्क बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, कि जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ वो जानकारी आप अपने घर परिवार वालों को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस स्कैम में जो है मैक्सिमम टारगेट किया जा रहा है 40, 50, 60 साल, 70 साल के लोगों को। तो अपने फैमिली वालों को, यानी कि पापा मम्मी वगैरह को, दादा दादी वगैरह जो भी हैं जिन्होंने भी इंश्योरेंस लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस हो, या फिर अगर आपके घर में जो है 2-व्हीलर 4-व्हीलर 6-8-10 भाई कोई सी भी व्हीलर वाली अगर गाड़ी है और आपने उसका फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो ऐसे में ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट फिर से आपसे रहेगी कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाई सब में इस बात को फैला देना, इस नए स्कैम की जानकारी सबको दे दीजिएगा कि किसी के साथ भी इसमें स्कैम नहीं हो। स्कैम बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा। किस तरीके से काम करता है सभी बातें बताने वाला हूं, ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाओ, अपने परिवार वालों को भी जागरूक कर दो। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे फिर से करना चाहूंगा, हमेशा की तरह, कि अगर आपके साथ भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन स्कैम हुआ है और आप चाहते हैं लोगों को अवेयर करना, तो उस जानकारी को अगर आप मेरे साथ शेयर कर दोगे तो मैं उस पर एक अवेयरनेस की वीडियो बना दूंगा, ताकि लोग देख करके अवेयर हो जाएं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है interestingrajyyt और मेरा ईमेल आईडी है interestingrajyyt@gmail.com, और ये दोनों ही आपको जो है मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी स्कैम आपके साथ हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस नए स्कैम की। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्कैम जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अब इस स्कैम में क्या होता है अब आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक सपोज़ कीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई फैमिली मेंबर, मान लीजिए आपने ही जो है एक लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, और आपने उस लाइफ इंश्योरेंस को लेने के टाइम में अपना वो मोबाइल नंबर वहाँ पर फिल किया था, नाम फिल किया था, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें फिल किया होगा, आपको भी याद होगा ये चीज़ अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो, या फिर आपने जो है किसी 2-व्हीलर 4-व्हीलर वगैरह का फर्स्ट पार्टी वाला इंश्योरेंस लिया होगा, तभी भी आपने चीज़ें जो है दिया होगा। तो ऐसे में ये जानकारी जो है ना जाने किस तरीके से स्कैमर्स के हाथ लग गया, और ये लोग जो है ना कॉल कर रहे हैं उस नंबर पर। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो ये स्कैमर आपको सामने से कॉल करेगा कि सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ। अब वो जो कंपनी का नाम आपको बताने वाला है वो सेम वो कंपनी होने वाली है जिससे कि आपने वो इंश्योरेंस करवाया होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो सामने से आपका नाम ले रहा होगा। अब मान लीजिए कि आपका नाम जो है राहुल है, तो वो आपको इस तरीके से बोलेगा कि हेलो राहुल, मैं इस इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, और आपने हमारे यहाँ से जो है ये वाला इंश्योरेंस लिया हुआ है, सपोज दैट यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है ना, आपका प्रीमियम इतना जाता है ना, आपको इस पैकेज में ये चीज़ें बताया गया होगा, और आपका ये रहा एड्रेस। अब सर एक्चुअली में जो है आपको ये रिवॉर्ड लगा है, या फिर ये लॉटरी लगा है, या फिर ये आपको कैशबैक मिलने वाला है, और वो एक अमाउंट बताएगा साथ में, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कोई वो अमाउंट हो सकता है, और वो आपको कहेगा कि सर इसको आज ही आपको क्लेम करना है, अगर आप इसको आज क्लेम अभी नहीं करते हो तो फिर ये आपको रिवॉर्ड जो है नहीं मिल पाएगा। अब आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा, सिंपल सी बात है भाई। सामने से अगर कोई आपको कह रहा है कि आपने ये चीज़ लिया हुआ है, प्लस में वो आपकी आइडेंटिटी बता रहा है, सभी चीज़ें एग्जैक्टली सेम बता रहा है, और आप अगर बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो इस बारे में, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये भाई सच में कहीं लग गया होगा लॉटरी वगैरह, या फिर कैशबैक, या फिर रिवॉर्ड वगैरह, जिसकी वजह से ये कॉल आया है और मैं सच में पैसा मिलने वाला है, और आप उसकी बातों में आना शुरू कर दोगे। और अब वो आपको जो है, वो जो स्कैमर है वो आपको बताने वाला है कि सर मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, और उस लिंक को ओपन कीजिए, उसको फिल करके भेजिए, और आपको पैसा हम यहाँ से जो है भेजवा देते हैं। अब वो लिंक आपको एक सेंड करेगा, हो सकता है कि वो आपको व्हाट्सअप पर सेंड करे, हो सकता है कि टेक्स्ट में सेंड करे, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो वहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा जो है आपसे डिटेल्स लिया जा रहा होगा, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वही पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से, मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ें, प्लस में एक UPI ID आपसे मांगा जा रहा होगा, ठीक है, पेमेंट लेने के, मतलब किस पे आपको पैसा चाहिए इस तरीके से लिखा हुआ होगा, और UPI ID आपसे मांगा जा रहा होगा। या फिर ये स्कैमर जो है हो सकता है कि कॉल के दौरान ही आपसे कहे कि आप कॉल को लाउड स्पीकर पर कीजिए और उस फॉर्म को आप जो है फिल करके तुरंत मुझे भेजिए, ठीक है, UPI ID के साथ में।
अब ये होने वाला है कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल भी जागरूक नहीं है तो, और उसके बाद में अगर आप आने लगे तो आप ये डिटेल्स उसको शेयर कर दोगे, वो कहेगा कि वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन के नाम पर ये चीज़ आपसे मांगा जा रहा होगा, तो डिटेल्स के साथ आप यूपीआई आईडी भी अपना भेज दोगे मान लीजिए उस पैसा को लेने के चक्कर में। और बहुत सारे लोग तो ये समझ चुके होंगे कि ये स्कैम अब किस तरीके से काम करने वाला है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये स्कैमर जैसे ही आपका यूपीआई आईडी लेंगे, उसके बाद जो है हो सकता है आप गूगल पे का, फ़ोन पे का या फिर पेटीएम का यूपीआई आईडी उसे दे रहे होंगे कि उस पर पैसा मंगवाना है, और ये आपका कॉल हो सकता है कि ऑन कॉल रहे बंदा और ये आपको कहे लाउड स्पीकर पर रह करके चीज़ें करने के लिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये जो है सामने से रिक्वेस्ट मनी वाला ऑप्शन सेंड करेगा उतना अमाउंट का, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी उसने बताया है उतना अमाउंट का वो रिक्वेस्ट मनी वाला ऑप्शन सेंड करेगा। और वहाँ पर जो मैसेज लिखने का ऑप्शन आपने देखा होगा कि जब हम किसी को रिक्वेस्ट मनी करते हैं तो आप एक मैसेज का भी ऑप्शन आता है, उसमें चीज़ें वो लिख देगा कि ये क्लेम करने के लिए, ये रिवॉर्ड को जो है क्लेम करने के लिए, इसे लेने के लिए जो है आप इस पर क्लिक कीजिए, ऐसे करके कुछ लिख देगा, ठीक है। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन जो है पॉपअप होगा, और आप अगर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो वहाँ पर जो है अमाउंट के साथ उस मैसेज वाले बॉक्स में क्लियरली ये लिखा हुआ होगा कि फॉर एक्सेप्ट दिस पेमेंट इस तरीके से। और हो सकता है कि वो बंदा जो है वो स्कैमर जो है वो कॉल पर रहे उस टाइम और लाउड स्पीकर करवा करके जो है वो आपसे बात कर रहा हो, आपको कह रहा हो उसे जल्दी जल्दी जो है उसमें पिन डालिए एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट, इस तरीके से बता रहा हो, और जैसे ही आप वहाँ पर यूपीआई पिन डालोगे आपके साथ स्कैम हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप या फिर अपना फैमिली को आपने जो है अगर अवेयर नहीं किया हुआ इस बारे में तो हो सकता है कि उनके साथ ये स्कैम हो जाए। तो ऐसे में मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने फैमिली, रिश्तेदार, दोस्तों को ये बात ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि अगर इंश्योरेंस की कंपनी के नाम से अगर कोई कॉल आती है अननोन नंबर से, भले ही वो सभी जानकारी आपको दे रहा हो आपके बारे में, लेकिन अगर आपको बता रहा है कि आपको ये पैसा फ्री फंड का मिलने वाला है, तो ऐसे में जो है लापरवाही ना करें। रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन जब आपको भेजा जाता है तब आपसे पिन मांगा जाता है, जिस पिन को डालने के बाद जो है आपके अकाउंट से पैसा कट के उस स्कैमर के अकाउंट पे पैसा पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं इस बात को सिंपल बोलूं तो भाई आप अगर किसी को पे कर रहे हो या फिर कोई आपसे रिक्वेस्ट किया है एंड आप उसको पे कर रहे हो तभी आपको जो है वहां पर पिन डालना होता है, ना कि किसी से अमाउंट लेने टाइम में। अगर कोई आपको पैसा भेज रहा है तो डायरेक्टली भेज सकता है, आपको वहाँ पर पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। सो आई होप आप लोग मेरी बात अब समझ चुके हैं एंड आप इस जानकारी को जो है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव वगैरह में ज़रूर फैला देंगे। यही आपके लिए एक छोटा सा टास्क रहेगा, प्लीज़ इस चीज़ को कर दीजिएगा ताकि लोग अवेयर हो जाएं एंड इस तरीके का स्कैम किसी के साथ भी नहीं हो। एंड अगर ये स्कैम ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है तो आपको 1930 नंबर को डायल करना है या फिर ऑनलाइन आप साइबर कंप्लेंट कर सकते हो cybercrime.gov.in पर जाकर के। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो आपको कल ही देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच।